नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड की ताजा खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने लोक कलाकारों के लिए रखा उपवास। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने लोक कलाकारों की समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचाने के लिए रविवार को 2 घंटे का मौन उपवास रखा। उनकी मांग है कि राज्य सरकार आगामी बजट में लोक कलाकारों के लिए भी मदद की व्यवस्था करे। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा केजरीवाल अभियान। मनीष सिसोदिया करेंगे 70 वीडियो वैन रवाना। आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में भी केजरीवाल अभियान आज से शुरू होगा। सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया प्रदेश के हर विधानसभा के लिए एक वीडियो वैन रवाना कर इस अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे और इन वैनों के माध्यम से पार्टी प्रदेश में अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करेगी। सहारनपुर चौक पर अव्यवस्थाओं का डेरा, आड़ी तिरछे लगे बैरिकेडर्स बन रहे हैं मुसीबत का सबब। देहरादून का सहारनपुर चौक यहां के प्रमुख चौकों में से एक माना जाता है। इसके बावजूद इस चौक पर हमेशा जाम का आलम देखने को मिलता है। यहां पर वाहनों के मुड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यहां लेफ्ट जाने वाले कोई भी वाहन के लिए अलग लेन बनाई गई है। यही नहीं, तीन तरफ से आने वाला ट्रैफिक एक साथ एक चौक पर मिलता है और जाम लगने के साथ ही हादसों का भी खतरा बना रहता है। अब लद्दाख के सरपंच उत्तराखंड में सीखेंगे पंचायती के गुर। 45 सरपंचों का दल पहुंचा दून। जम्मू कश्मीर के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी ग्राम पंचायतों के सरपंच उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था के गुर सीखेंगे। इस क्रम में लद्दाख के 45 सरपंचों का दल रविवार को देहरादून पहुंच गया। सोमवार को इस दल का प्रशिक्षण शुरू होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर भी वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उचपा नेता कनक धनाई की गिरफ्तारी पर कार्यकर्ताओं ने फूंका विधायक का पुतला। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के नेता कनक धनाई समेत 33 कार्यकर्ताओं की गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान की गई गिरफ्तारी के विरोध में उचपा कार्यकर्ताओं में अभी भी रोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने रविवार को हनुमान चौक रायवाला में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कर रोष जताया और रिहाई की मांग की। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, यह शहर और यह देश हम सबका है। इसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो सड़कों पर कूड़ा ना फैलाएं और कूड़ेदान का इस्तेमाल करें। और उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।